हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रॉन मसाला। उसको बनाने के लिए हमको चाहिए होगा 400 ग्राम प्रॉन। आप फ्रोज़न प्रॉन ले सकते हैं, कुक्ड एंड पील्ड वाला, या आप रॉ प्रॉन भी ले सकते हैं। उसको आप स्किन्स निकाल के, प्रॉन के आप साफ़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। प्रॉन्स में हम डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे। प्रॉन में हमने मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे फ्रिज में। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ऑयल, आप मस्टर्ड या रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ग्रेटेड किया हुआ, 1 टमाटर फाइनली चॉप किया हुआ। हमें खड़े मसाले में चाहिए होगा 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 4-5 लौंग, 2 खड़ी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून सरसों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम एक बड़ा पैन लेंगे, मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन ऑयल, मैंने आधा यूज किया है, लगभग 1 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे मैरिनेटेड प्रॉन्स। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्रॉन हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे हम, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसमें हम अपने खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, उसको हम मिक्स कर लेंगे और उसको हम 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे ऐसे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक ग्रेटेड किया हुआ, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको 3-4 मिनट के लिए और भुनेंगे अभी। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आधा गरम मसाला, आधा हमने बचा लिया है अभी,
इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। क्योंकि मैंने खड़ा मसाला डाला था तो पानी डालने से वो जलेगा नहीं। इसको हम मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर और भून लेंगे जब तक मसाले पकना चाहें। मसाला हमारा लगभग भून गया है। चला लेंगे। इसमें थोड़ा और नमक डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि नमक हमने प्रॉन में भी डाला था तो उस हिसाब से नमक डालेंगे इसमें हम। तो मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। अभी हम इसका लिड लगा लेंगे। एक बार इसको चेक कर लेंगे हम। इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और थोड़ी देर और इसको पकाएंगे ऐसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। दो मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स। चला लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बचा हुआ हमारा गरम मसाला। और इसको हम 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। एक बार चेक कर लेंगे। प्रॉन मसाला हमारा बन गया है। इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यमी इंडियाज़ किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।